तो दोस्तों केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर और मार्केट के जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं क्या कंपनी के जो नंबर है क्या मार्केट के एस्टीमेट को बीट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो डाटा मिलियंस में दिया गया, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ। पिछले क्वार्टर में 1946 करोड़ के आसपास के कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1784 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2061 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने इस क्वार्टर में शो कितना किया है, 2061 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट का जो एस्टीमेट था कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो था 2092 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट के जो एस्टीमेट थे उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1766 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 1624 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1871 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एंड एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़ के आसपास, पिछले साल 128 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 150 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं वहाँ पे 16 से 17% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी है, 7% के आसपास का जंप आपको देखने वाला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 150 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट की जो उम्मीद थी कंपनी को प्रॉफिट के लेके 149 करोड़ के आसपास थी। तो कह सकते हैं जितना कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है उतना ही मार्केट की उम्मीद भी थी कि मार्केट इसके आसपास ही आपको कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, वही देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें 15.5 रुपये का पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 14 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 16.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए जो मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के नंबर्स को लेके कि जितने आने चाहिए थे एग्जैक्टली उसी के आसपास कंपनी के जो नंबर है वो आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट कैसे एड करे, लेकिन ओवरऑल देखें तो एवरेज टाइप के नंबर है, नहीं ज़्यादा अच्छे हैं नहीं ज़्यादा खराब है, जितनी मार्केट की उम्मीद थी उसके आसपास ही कंपनी के नंबर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।